क्या आपके मन में भी बार बार ये सवाल आते हैं कि आईटीआई में कौन सा ट्रेड सबसे अच्छा है, या फिर किस ट्रेड में हमें आईटीआई करने चाहिए और किस ट्रेड में हमें कैरियर बनाना चाहिए? तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर आप भविष्य में कभी आईटीआई करना चाहते हैं या फिर आईटीआई कर चुके हैं, तो ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो पर बने रहिए अंत तक। हमने इस वीडियो में कुछ ऐसे ट्रेडों के नाम लाए हैं, इन ट्रेड से अगर आप आईटीआई करते हैं तो आप कभी बेरोजगार नहीं रहिएगा। यानी इन ट्रेडों में हमेशा किसी न किसी कंपनी में या फिर किसी न किसी गवर्नमेंट कंपनी में हमेशा विभिन्न पदों पर रिक्तियाँ आती रहती है। तो इस वीडियो को आइए शुरू करते हैं। नंबर वन ट्रेड के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक नंबर पर हमने जिस ट्रेड का नाम लिया है वो है इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पर हमने नंबर एक पे इलेक्ट्रीशियन रखा है, क्योंकि अगर आप आईटीआई इस ट्रेड में करते हैं तो आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आपको रुचि अगर वायरिंग में या फिर ट्रांसफार्मर तथा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें की जानकारी में है, तो आप इस ट्रेड में अपना कैरियर बना सकते हैं। इस क्षेत्र का बहुत बड़ा क्रेज है, और इस क्षेत्र में अगर आप अपना कैरियर बनाते हैं तो आगे आपको कभी बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामानों का भरमार है हमारे मार्केट में, और इस क्षेत्र में आप अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं। नंबर दो पे हमने जो ट्रेड रखा है वो है फीटर। फीटर का काम होता है मशीनों आदि के पुर्जों का निर्माण तथा मरम्मत करना। इसके अंतर्गत कटिंग, फाइलिंग, फिटिंग आदि कई तरह के कार्य इसमें शामिल होते हैं। इस कोर्स की अवधि आपको 2 वर्ष होगी, और फीटर से आईटीआई करने के बाद आपको आगे करियर की चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि ये करने के बाद आप किसी भी कंपनी में आसानी से जॉब ले सकते हैं। नंबर तीन पे हमने जो ट्रेड रखा है वो है बेल्डर। बेल्डर से अगर आप आईटीआई करते हैं तो इसमें 2 चीज़ों की जोड़ने यानी वेल्डिंग किया जाता है, और वेल्डिंग से संबंधित जो भी कार्य होता है इसी के ट्रेड के थ्रू किया जाता है। अगर आप इस ट्रेड में आईटीआई करते हैं तो आगे बहुत सारी संभावनाएं हैं, साथ ही विदेश में भी आपको बहुत सारे संभावनाएं मिल जाते हैं इस ट्रेड से आईटीआई करने के बाद। सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्डर ट्रेड मात्र 1 वर्षों की होती है, और इसका मिनिमम योग्यता की बात करें तो 8वीं पास होता है। लेकिन अगर आप आईटीआई में एडमिशन लेने जाते हैं तो उसके लिए 2 मैट्रिक पास होना जरूरी है। 4 नंबर पे हमने जो ट्रेड रखा है वो है कारपेंटर। कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई। अगर आपको भी रुचि है कि लकड़ियों के अच्छे अच्छे टेबल, कुर्सी, डाइनिंग टेबल वगैरह वगैरह बनाने के लिए, तो आप इस ट्रेड को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ट्रेड में आपको 2 वर्ष या फिर 1 वर्ष की अवधि का कोर्स कराया जाता है, और इसके थ्रू आपको रेलवे के साथ साथ कई विभिन्न कंपनियों में प्रत्येक वर्ष वैकेंसी आती है, और आप ये ट्रेड ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इसमें आपको रुचि हो तो। आजकल नए नए काफ़ी भवन निर्माण हो रहे हैं, और उन भवन निर्माण में प्लम्बर की काफ़ी आवश्यकता है। तो नंबर 5 में हमने जो ट्रेड रखा है वो है प्लम्बर। अगर आप प्लम्बर की नौकरी की मांग बहुत अधिक है, अगर आप इसमें आसानी से एक प्रमाणित प्लम्बर होने के साथ साथ डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स की अवधि 2 साल के साथ साथ 3 साल के लिए भी होता है। आपको यह तय करने की आवश्यकता है कि आप कौन से कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ट्रेड थे जिनके बारे में आपको बताना था कि अगर आप इन ट्रेडों में आईटीआई करते हैं तो आपको आगे परेशानियां झेलनी नहीं पड़ेगी, जबकि नौकरी ही नौकरी है इस ट्रेड में आईटीआई करने के बाद। तो आइए कौन कौन से ट्रेड है एक बार फिर से आपको बता दो। 1 नंबर पे हमने रखा था इलेक्ट्रीशियन, नंबर 2 पे रखा था हमने फीटर, 3 पे रखा था बेल्डर, 4 पे कारपेंटर और 5 पे प्लम्बर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रेड है जो आपको भविष्य में कई संभावनाएं दिखाती है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल बटन आ रहा है उसको क्लिक कर दीजिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।